पति का सुख नहीं लिखा है शायद, इसीलिए तो अब तो हमसे अब आगे तो कुछ होएगा नहीं। इनको अपने दिल से चाहा माना और इन अब ये इंसान मेरा नहीं हुआ तो मेरा जीने का भी मन नहीं करता है। अब जी रही हूँ जब तक जी रही हूँ। प्यार करने वालों से क्या कहना चाहेंगे, जो सच्चा प्यार करते हैं, जो साथ देते हैं प्यार? हाँ, कैसा फोटो है भाई? इनका फोटो बड़ा सजा के आपने फोटो रखा है भाई। बड़ा बचा के रखा जाता है, तो मैं थोड़ा सा इनको चुनरी के रूप में देखना चाहता हूँ। हाँ, तो कैसी लग रही है? हाँ, ऐसे हो रही थी। बहुत आप अच्छी लग रही है। सब यादें रखी हैं, लोग तो बोल देते हैं लेकिन ज़्यादा ही हम लोगों का था इसीलिए आए। और मुझे प्यार सम्मान इज्जत नहीं मिला था। हाँ, वही लाए थे और साड़ी वाड़ी लाए थे। साड़ी तो हम अपना वहाँ डाल के आए हैं घर पे। पता था कि चुनरी कैसे उड़ाया जाता है, कैसे शादी होती है? हाँ, पता था हमको, तो पता ही था। उनको नहीं पता होगा, हमको तो पता ही था क्योंकि मैं खो दी है कुल मिला के। अभी खोया तो अभी पूर्ण रूप से नहीं है, अभी तो बहुत से प्रयास किया जा रहा है। अच्छा, सामग्री में अभी क्या क्या है आपके पास? सामग्री में बाबू का कपड़ा अभी मैं सूटकेस में ही रखती हूँ क्योंकि उनकी यादें हैं। ये उनका अंगूठा है, ये अपने दिल से लगा के रखती हूँ। वो मुझे नहीं भी मिलेगा तो मैं भी एक कपड़े के सहारे शायद मैं जिंदगी काट लूँ। ओपल याद है, जैसे आप लोगों ने शादी किया हो तो शादी में एक सिंदूर होता है, चुनरी होती है, और शादी का जो रीति रिवाज होता है उस तरह का कोई सामग्री था? हाँ, बराती बराती नहीं था, रूम में ही किया था। और यादें हैं कि हम दोनों साथ में रहते थे, सुख दुख बांटते थे और मुझे बहुत इज्जत सम्मानित। कभी उन्होंने एक थापड़ तक नहीं मारा, गाली लेकिन तक अब तो नहीं दी। थापड़ नहीं, अब तो झापड़। अब तो इतना थापड़ से ज्यादा जख्म दे दिया। हाँ, अब तो स्माइल के साथ कह रही है। हाँ, तो थापड़ से ज्यादा जख्म दिया बड़ा के। स्माइल में भी दर्द है कुछ? दर्द तो है। हाँ सर, अपने पे हंसती हूँ कि हम कहाँ पे कहाँ आ गए। लोग बोलता है कि लड़की धोखा देती है, लोग बोलता है लड़का धोखा देता है। अगर दोनों की सहमत हो तो शायद प्यार जीत सकता है, है ना? क्योंकि झुका ही नहीं पाएगा गांव मोहल्ला या मतलब कि पूरा इंडिया। अगर दोनों की सहमत है तो वो एक हो जाते हैं ना, तो उनको कोई झुका ही नहीं सकता है। प्यार जब खराब होता है, जब या तो लड़का पीछे हट जाता है या तो लड़की हट जाती है, तब उसमें प्यार खटास आ जाता है। अगर वे दोनों एक हो जाए तो मैं ये मानती हूँ मेरे जैसी अगर लड़की प्यार करने वाली किसी को मिले तो वो प्यार को नहीं हरा पाएगा कोई। सही बात। हाँ, मैं तो मौत से भी लड़ जाऊंगी अपने प्यार के लिए। कुछ को दिन याद है, कुछ ऐसा सामग्री गिफ्ट? हाँ, थोड़ा गिफ्ट क्या, उनका कपड़ा और फोटो वगैरह। हाँ, कपड़ा भी रखा है उनका खोल के सारा भी। और चुनरी है, चुनरी भी है, और नोएडा में उनका स्लीपर, उनके कपड़े, बनियान। मेरा नोएडा जाने का मन नहीं करता है क्योंकि मैं जब जाऊंगी तो मैं वहाँ पे कैसे देखूंगी कि हम मतलब कोई चीज़ मतलब खो कर आए हैं। नोएडा नहीं जाना चाहती हूँ क्योंकि उनकी यादें हैं हमारे साथ और उनकी स्लीपर, उनके कपड़े सब वहाँ पे पड़े। अगर मैं जाऊँगी तो मैं वहाँ पे मैं कैसे अपने आप को संभाल पाऊँगी कि मैं कोई चीज़ खो कर आई हूँ? तो मैं इसलिए वहाँ नहीं जाना चाहती हूँ क्योंकि मेरा वहाँ पे हंसी, जहाँ लेटना, जहाँ बैठना, जहाँ घूमना, वहाँ पे मुझसे देखा नहीं जाएगा। तो मैं यही चाहती हूँ, मैं लौट के नहीं जाऊँगी। मैं सोचती हूँ मुझे ऐसी मौत भगवान दे दे, मैं लौट के वापस नहीं जाऊँ। बस मैं कैसे देखूँगी जाके कि मेरा बाबू यहाँ बैठता था, यहाँ खाता था, यहाँ लेटता था? वो मुझसे सहन नहीं होगा। मैंने बहुत बड़ी चीज़ खो दी है कुल मिला के। खोया तो अभी पूर्ण रूप से नहीं है, अभी तो
और उसे प्रयास किया जा रहा है। अच्छा, सामग्री में अभी क्या क्या है आपके पास उनका? सामग्री में बाबू का कपड़ा अभी मैं सूटकेस में ही रखती हूँ, क्योंकि उनकी यादें हैं, ये उनका अंगूठा है, ये अपने दिल से लगा के रखती हूँ। वो मुझे नहीं भी मिलेगा तो मैं भी एक कपड़े के सहारे शायद मैं ज़िंदगी काट लूँ। और ये उनका जींस भी है जी। और क्या ये चुनरी कैसा है? ये और ये उनका बनियान है। चुनरी कैसा है? ये वो शादी जब रूम में किया था तो उसका चुनरी। अच्छा, चुनरी भी आप लोग लाती थे शादी के लिए? हाँ, वही लाए थे। और साड़ी वाड़ी लाए थे, साड़ी तो हम अपना वहाँ डाल के आए हैं घर पे। पता था कि चुनरी कैसे उड़ा जाता है, कैसे शादी होती है? हाँ पता था, हमको तो पता ही था, उनको नहीं पता होगा, हमको तो पता ही था, क्योंकि मैं मेरा आपको पूरा पता था। हाँ, तो वही सब था। और ये कपड़ा वपड़ा उनका रखा रहता है, बस उनके ही सारे हम रहते हैं। कुल मिला के भूल नहीं पा रहे, कुल मिला के लोग मतलब छोड़ देता है और जी लेता है, मैं नहीं जी पाती हूँ। और क्या एक बार चुनरी उनको बता सकती हैं कैसे उड़ी थी? हाँ, चुनरी क्या ऐसे देखिए, ये जो चुनरी होती है इसे बड़ा बचा के रखा जाता है, तो मैं थोड़ा सा इनको चुनरी के रूप में देखना चाहता हूँ। हाँ, तो ये कैसी लग रही है? हाँ, ऐसे हो रही थी। बहुत आप अच्छी लग रही हैं। सब यादें रखी हैं, लोग तो बोल देते हैं, लेकिन ज़्यादा ही हम लोगों का था इसीलिए आए। और मुझे प्यार सम्मान इज्जत नहीं मिला था। ये जो चुनरी आप पहनी हैं इसकी यादें काफ़ी ज़्यादा आ रही है, क्योंकि ये जो दुल्हन का जो रूप होता है गजब का चाहिए होता है ज़िंदगी में। शायद मेरी ज़िंदगी में पति का सुख नहीं लिखा है शायद, इसीलिए तो अब तो हमसे अब आगे तो कुछ होएगा नहीं। इनको अपने दिल से चाहा, माना, और इन अब ये इंसान मेरा नहीं हुआ तो मेरा जीने का भी मन नहीं करता है। अब जी रही हूँ, जब तक जी रही हूँ। प्यार करने वालों से क्या कहना चाहेंगे, जो सच्चा प्यार करते हैं, जो साथ देते हैं, प्यार की जब बात आती है तो आगे बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेते हैं, उनसे आप क्या आग्रह करना चाहेंगे? प्यार में यही आग्रह करना चाहूँगी कि भाई अगर देखो निभा सको तो करो, अन्ना निभा सको तो ना खिलवाड़ ना करो किसी जिंदगी के साथ, इसे ना खिलवाड़ करो। ये क्या है? ये उनका फोटो फोटो है। फोटो भी रखी है? हाँ। ये कैसा फोटो है भाई? उनका फोटो, बड़ा सजा के आपने फोटो रखा है भाई। फोटो वेस्ट निकाल के रखे। ओह माय गॉड, इतना भी प्यार है इनसे। ओह माय गॉड, लड़का तो भी हैंडसम है सचिन के तरह। इसीलिए पहले हम ऐसे थे, आज हम आपकी फोटो है? हाँ, ये मेरी फोटो, हम ऐसे थे पहले, लग तो नहीं रही है। अब हम ऐसे हो गए बेकार से। ये भी मेरा फोटो है जी। ओह माय गॉड, बेहद दुखद है। तो सामने जी आप हम लोग ग्राम में रहेंगे और इस ग्रुप की गली में और जाते जाते कह देते आप लोग दोस्त लोग इनको सपोर्ट करिए दिलो और दिमाग से, जी जान लगा दीजिए इनको प्यार को हासिल करने में। अब हमको कहेंगे तो हम बहुत इनको दिलो और दिमाग